हाय, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? अभी मैं जस्ट फेस वॉश करके आई हूँ. फेस वॉश करके आई हूँ. इसको मैंने टॉवल से वॉश सॉरी टॉवल से क्लीन नहीं किया है. इस पर अब मैं ये लगाती हूँ ग्लो अप. इसको हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है. जस्ट ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ले ली मैंने, कोई बात नहीं. फेस को जब आप वॉश करते हैं तो उसको टॉवल से क्लीन नहीं करना, और फिर जस्ट आपने ग्लो अप लेना है. इसको मसाज देनी है, सिर्फ हल्की, इतनी नहीं कि हम जैसे फेशियल कर रहे हैं, फेशियल नहीं कर रहे हैं. इसको थोड़ी सी मसाज देनी है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए. जो ये हमारा वाटर था फेस पर, फेस हमारा ड्राई हो जाए. और ये जैसे ही ये वाटर ड्राई होगा और ये क्रीम भी हमारी अब्जॉर्ब हो जाएगी सारी की सारी हमारे फेस पर, तो जिसको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो थोड़ी आईज, अंडर आईज में भी थोड़ी सी मसाज देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, हल्के हल्के हल्के. इससे क्या होता है कि जो हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा वो अच्छे से होने लगता है, और हमारी जो ये नेचुरल क्रीम है वो भी हमारे फेस में अब्जॉर्ब हो जाती है सारी. ये इसको लगाने का दूसरा मेथड है. फर्स्ट मेथड, पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं. ये इसको लगाने का दूसरा मेथड है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका. ऐसे ना आपका फेस ड्राई रहेगा, ना ही आपका फेस ऑयली रहेगा, बिल्कुल नेचुरल सा रहेगा, और किसी फाउंडेशन की नीड नहीं है छोटी मोटी पार्टीज में जाने के लिए. थैंक यू. काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, यूज़ कर सकते हैं बच्चे भी, यूज़ कर सकते हैं बच्चे भी लगाएं, बड़े भी लगाएं, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है. काफ़ी अच्छी फेस ग्लो करता है, कोई फेशियल की नीड नहीं रहती, कोई ब्लीच की नीड नहीं रहती, और डार्क सर्कल्स में भी हेल्पफुल है, एंटी एजिंग में भी हेल्पफुल है, और रिंकल्स में नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको. और आप जो ये मेथड बताया इसको आप दिन में 2 बार करेंगे, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोते टाइम, बहुत अच्छा रिजल्ट है. थैंक यू.